हेलो एवरीबॉडी, आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे हम दो लेक्चर्स में बांट रहे हैं। इसमें वेरी फर्स्ट लेक्चर हम फोटोन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी वजह से किसी सरफेस पर जो प्रेशर लगता है, जिसे रेडिएशन प्रेशर कहते हैं, उसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटोन होता क्या है? फोटोन बेसिकली एक एनर्जी का पैकेट होता है। एनर्जी का ऐसा मिनिमम अमाउंट जो फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट कर सके, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसे हम कहते हैं फोटोन। जब भी ऐसा कुछ होता है कि एक अमाउंट में कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो उसे हम कहते हैं फिजिक्स में क्वांटाइज्ड। क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड। तो एनर्जी हमारी क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और मैक्स प्लैंक ने इस क्वांटा ऑफ एनर्जी को ही फोटोन नाम दिया था, राइट? तो हमने क्या जाना कि फोटोन क्या होता है? एनर्जी का एक मिनिमम अमाउंट जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? और ये हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा, पैकेट्स में होगा। इससे क्वांटा कहते हैं और यही क्वांटा हमारा फोटोन कहलाता है। चलिए जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स के बारे में। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसके एग्जिस्टेंस रिलेटेड है कि फोटोन का एग्जिस्टेंस रेस्ट पोजिशन में नहीं होता है। फोटोन ओनली एग्जिस्ट करता है एज ए मूविंग पार्टिकल, क्योंकि एक एनर्जी का पार्टिकल है और ये एनर्जी का पार्टिकल ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से। वैक्यूम में अगर इसकी वेलोसिटी जाना जाए तो 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। इसका रेस्ट मास और रेस्ट एनर्जी नहीं होती है, जिसे हम जीरो कहते हैं। तो चलिए आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर। एनर्जी जो फोटोन की होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, अकॉर्डिंग टू द मैक्स प्लैंक। किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन चेंज नहीं होगी अगर फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। एक सोर्स जैसे सन से लाइट आ रही है, ध्यान दीजिए, चाहे किसी भी मीडियम में चली जाए तो फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई और फोटोन की एनर्जी केवल केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, तो इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, एच न्यू के बराबर होगा, क्योंकि न्यू कांस्टेंट होगा आपका, है ना? किसे देते हैं? इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है इसका? फ्रीक्वेंसी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो अपने आप में कांस्टेंट है, 6.64 × 10⁻¹⁴, ऐसे सिस्टम में न्यू फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। मीडियम चेंज हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोटोन का अमाउंट एनर्जी का उतना ही रहेगा, फाइन। लेकिन मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी चेंज होती है तो ये वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन इनका रेशियो कांस्टेंट बना रहता है, दैट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन जो ऑरिजिनेट हुआ है, फाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। इसका जो काइनेटिक मास होता है, क्योंकि हमने बात की कि इसका एग्जिस्टेंस ही होता है मोशन के दौरान, रेस्ट मास तो जीरो होता है, रेस्ट एनर्जी भी जीरो होती है। तो आइंस्टीन साहब के एनर्जी मास रिलेशन से फोटोन की एनर्जी के बारे में बात करें तो फेमस रिलेशन हमारे पास होता है इक्वल टू mc², राइट? तो फोटोन का जो काइनेटिक मास होगा, m की वैल्यू हम क्या कहेंगे? e/c². e क्या है वैल्यू? वही h न्यू जो थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी हमने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। फोटोन के मोमेंटम के बारे में जानते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एंड प्लैंक्स, एनर्जी के दो रिलेशन हमारे पास फोटोन के आ गए, mc² आइंस्टीन साहब के अनुसार और प्लैंक के अनुसार hc/λ, राइट? तो c से c को यदि हम कट कर दें तो जो मोमेंटम होगा m × c, h/λ हो गया। p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां? फोटोन को। तो फोटोन का मोमेंटम क्या होगा? m × वेलोसिटी, दैट इज h/λ। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डी ब्रॉगली वेव्स हम डिस्कस करेंगे, वहां भी इस रिलेशन को हम वहां यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रखती है, इट्स ओके। जब फोटोन मूव करता है तो लाइट की तरह से मूव करता है एक मीडियम में, किसी एक मीडियम में स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूवमेंट करता है जैसा लाइट करती है, राइट? अच्छा, लेकिन मीडियम यदि चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, उसी अनुसार फोटोन
की भी स्पीड चेंज हो जाती है सी मीडियम में, सी बाई म्यू, म्यू क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। फाइन, तो भाई यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है मीडियम में तो अनडाउटली वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी और वो दिया जाएगा लैम्डा बाई म्यू से, राइट। तो हमने क्या जाना कि जब भी फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी डिवाइडेड बाई म्यू डिवाइडेड बाई म्यू। क्लियर है? फाइन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। अब हमारा जो फोटोन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, चार्ज नहीं होता उस पर। चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होना है, कोई इफेक्ट नहीं होना है तो चाहे इलेक्ट्रिक और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इसे गुजारें तो ये सीधा ही मूव करेगा, ऐसा डेविएट नहीं होगा, अलग नहीं जाएगा। इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फाइन, रेडिएशन प्रेशर के बारे में जानते हैं। फोटोन के बारे में हम जाना कि उसका अपना एक मोमेंटम होता है। जब भी किसी सरफेस पर एक फोटोन इंसिडेंट करेगा तो कॉलिजन से चेंज इन मोमेंटम होगा और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो जब भी फोटोन किसी सरफेस पर इंसिडेंट करता है तो उसके मोमेंटम में चेंजेस आता है, मोमेंटम में चेंज आता है, इससे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। उस प्रेशर को क्या कहते हैं? रेडिएशन प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे बनी होती है? फोटोन से बनी होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा रेडिएशन प्रेशर कहलाता है। तो रेडिएशन प्रेशर का कॉज क्या है? मोमेंटम, जो कि या तो सरफेस से एब्जॉर्व करता है या वहां से फोटोन का मोमेंटम रिफ्लेक्ट होता है, राइट, या कुछ मैटर्स उसको इमिट करते हैं। तो कोई सा भी फिनोमेनन हो, चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए तो उस सरफेस पर फिर रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करता है। और ये कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, जैसे अपन बात करें रेडियो वेव्स, एक्सरे, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, तो सभी के द्वारा रेडिएशन प्रेशर सरफेसेस पर एक्सर्ट किया जा सकता है, क्योंकि सभी क्या है? इलेक्ट्रॉन वेव, सभी फोटोन से मिलकर बने हुए हैं और फोटोन में क्या होता है? मोमेंटम। चलिए जानते हैं कि न्यूमेरिकली रेडिएशन प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे और न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कैसे करेंगे इसे। मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है और उस पर लाइट रेडिएशन, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, जिसकी इंटेंसिटी है आई, और ये सरफेस एरिया हमारे पास है कैपिटल ए। फाइन, तो सबसे पहले एनर्जी और इंटेंसिटी में रिलेशन क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ई यहां पर हम मान लेते हैं पर सेकंड जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो आई हमने क्या बताया? ई बाई ए इंटू टी, राइट। तो ये पर सेकंड हम लेके चल रहे हैं, तो ई बाई ए हो गया आई हमारे पास में, तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं आई इंटू ए, नो डाउट। फाइन, ओके। अब एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड बाय द सरफेस हमारे पास में ये ई है, ओके। अगर इसको हम फोटोन की फ्रीक्वेंसी के साथ बात करना चाहें, एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, यदि एक सेकंड के अंदर एन फोटॉन्स आ रहे हैं तो हम एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? एन एच न्यू। टोटल एनर्जी कितना होगा पर सेकंड? एन एच न्यू। एन क्या है? पर सेकंड एन फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो ये हो गया एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड बाय द सरफेस। फाइन, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। अब नंबर ऑफ फोटोन रिसीव पर सेकंड अगर हमको जानना है, एन की वैल्यू जानना है कि पर सेकंड कितने फोटोन रिसीव हुए हैं, तो अभी हमने रिलेशन जाना था, तो यहां से हम एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू को हम सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं अगर लैम्डा में चेंज करना चाहें, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? आई ए डिवाइडेड बाई एच सी बाई लैम्डा, ओके। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो एच बाई लैम्डा मोमेंटम है, तो हम टोटल मोमेंटम रिसीव पर सेकंड बाय द सरफेस की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फाइन, कैसे? एच बाई लैम्डा का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, ये एच बाई लैम्डा आपका एक फोटोन का मोमेंटम है,
तो एनपी हो गया। तो एनपी क्या है, टोटल मोमेंटम रिसीव्ड पर सेकंड बाय द सरफेस। क्लियर है यहां तक? अब हम ले लेते हैं, हम धीरे धीरे प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, रेडिएशन प्रेशर की तरफ, मोमेंटम तक आ गए, फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद में प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हमारा ये सरफेस है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो फिर चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन बात करें हम डेल्टा पी। देखिए एनपी मोमेंटम गया और एनपी वापस आएगा, नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब वापस आएगा तो डायरेक्शन हो गया अपोजिट, तो माइनस कर दिया चेंज के लिए, तो ट्वाइस एनपी हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम की बात करें, एनपी की वैल्यू हमारे पास में कितना आ गई है, एनपी की वैल्यू रख दी हमने आई ए बाई सी। तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ऑन द परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और फोर्स एक्सप्लेन बाय द सरफेस वो क्या होगा भाई, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तो पर सेकंड ही तो मोमेंटम की बात कर रहे थे, तो दिस इज नथिंग बट द फोर्स एक्चुअली, y a by c। ओके a हमने लिया था सरफेस एरिया, तो प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा एरिया का डिवाइड कर दें, तो ट्वाइस i by c। आप इसे याद भी रखें तो अच्छा रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रेडिएशन प्रेशर कितना होता है, ट्वाइस i by c। अब लेते हैं परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, जिसे कि हम आइडियल ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड की बात करें तो इस केस में केवल एब्जॉर्ब हो रहा है, वापस नहीं आ रहा है, तो वापस आने वाला फाइनल कितना है, जीरो, माइनस एनपी कर दिया हमने, तो कितना रह गया है एनपी, यानी पहले वाले से हाफ हो गया है टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स एक्सप्लेन बाय द सरफेस कितना हुआ, आई ए बाय सी। तो प्रेशर दैट इज रेडिएशन प्रेशर एक्सप्लेन बाय द सरफेस ए का डिवाइड कर दें आई बाय सी। क्लियर है, सिंपल, राइट। अब हम एक स्पेशल केस ले लेते हैं कि पार्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पूरा रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा न पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक सरफेस है जो 70% रिफ्लेक्ट करता है और 30% इंसिडेंट रेडिएशन का एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट, टोटल 100 हो गई बात। तो सबसे पहले फोर्स एक्सप्लेन बाय द सरफेस कैलकुलेट करेंगे, रिफ्लेक्शन से कितना होता है, याद करो ट्वाइस आई ए बाई सी था, राइट। तो फोर्स क्या होगा, पहले 70% है ना, 70 बाई 100 कितना हो गया 0.7, मल्टीप्लाई बाई रिफ्लेक्शन से कितना होता है फोर्स, 2 आई ए बाई सी, यदि 100 होता तो, फाइन, ओके। और एब्जॉर्प्शन से कितना होता है फोर्स, आई ए बाई सी, ये 30% है, 30 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया 0.3। समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 और 0.3 कितना हो जाएगा 1.7। तो फोर्स की कैलकुलेशन पार्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इस तरीके से की जाएगी। अच्छा, तो रेडिएशन प्रेशर क्या हो गया, एरिया का डिवाइड कर देंगे, व्हाट कम्स आउट टू बी 1.7 आई बाय सी। क्लियर, फाइन। अब एक किसी एंगल पर यदि इंसिडेंट होता है तो आप एक टेक्निक जान लीजिए, कैलकुलेशन चाहे तो आप कर सकते हैं कंपोनेंट लेके, कि जब भी रेडिएशन जिसका इंटेंसिटी आई है एंगल थीटा पर इंसिडेंट हो रही है विद द नॉर्म और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, जैसे अभी हमने कहा था पार्टली है 70%, तो ये आर वो 0.7 जो लिया था हमने वो हो गया बेसिकली, है ना। हाँ, तो आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो अब ये किसी एंगल पर भी आ रहा है और ये पार्टली भी है, ये थीटा एंगल पर आ रही है रेडिएशन, फाइन। तो सबसे पहले तो फोर्स एक्सप्लेन बाय द सरफेस ये आप याद कर लीजिए, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, 1+r i a cos स्क्वायर थीटा बाय c, थीटा है नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल आपका, r क्या है कितना परसेंटेज, जैसे पहले बोला था 70%, तो 70 बाय 100 किया था 0.7, तो ऐसे r की वैल्यू गिवन होगी हमेशा, क्या होगा डेसिबल में होगा ये, फाइन। और प्रेशर की बात होगी तो बस एरिया का डिवाइड हो जाएगा और प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1+r i cos स्क्वायर थीटा बाय c, एक डिवाइड कर दिया इसमें। अगर आप याद रखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जनरली पूछे जाते हैं एमसीक्यू। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो उसके लिए आर वन हो जाता है, है ना, और एब्जॉर्बिंग होता है तो उसके लिए आर कितना होता है, जीरो। क्लियर, तो चलिए अब इसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीख लेते हैं, फाइन। तो एक क्वेश्चन दिया हमने, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड by a 25 watt source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer
एक सोर्स है, एक बल्ब मान लीजिए 25 वॉट का आपके पास में, जिससे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है 600 नैनोमीटर, तो नंबर ऑफ फोटोन कितने इमिट हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो सबसे पहले पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम होगा। एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, एन फोटोन आ रहे हैं मान लीजिए, जो हमें फाइंड करना है, ये टी फॉर टाइम, राइट। ओके, और न्यू को हम लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा, क्यों, हमें यह वेवलेंथ के बिना, दैट्स व्हाई। तो एन हमें फाइंड करना है, तो आई कैन डू लाइक दिस, पी टी लैम्डा बाई एस सी, फाइन। तो चलो वैल्यू रख लेते हैं, पी हमें गिवन है 25 वॉट, 25 लिख दिया, टी पर सेकेंड बोला है तो 1 कह दिया हमने, लैम्डा 600 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10^-9, एच 6.6 × 10^-34, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो फोटोन की भी होती है वैक्यूम में, 3 × 10^8। कैलकुलेशन करते हैं इसको, 25 6 150 हो गया, और 20 कम हो गया तो -7, और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 19.8, और -34 + 8 -26 आ गया, राइट। अब इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। देखिए जीरे नीचे जो 19.8 है वो अप्रोक्सीमेटली 20 लिखा जा सकता है, राइट, और ये -26 ऊपर चला गया आपका, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और हमारे पास आंसर आया 7.5 × 10^-19, सॉरी 19, है ना, दिस मच इज द नंबर ऑफ फोटॉन। अब देखिए पूरे मॉडर्न फिजिक्स में एच और सी एक ये कांस्टेंट टर्म होता है, राइट। तो इसका अभी फिलहाल इस टॉपिक के अंदर एसआई सिस्टम में वैल्यू चाहिएगा, तो ये जो अप्रोक्सीमेशन हमने किया एच इंटू सी, तो इस वैल्यू को आप याद रख लें तो ज्यादा इजी रहेगा। देखिए एच इंटू सी, आप यहाँ देखिए 19.8 × 10^-26 आया था, इसको हम लिख सकते हैं 20 × 10^-26, राइट। तो क्या हो गया 2 × 10^-25 एसआई सिस्टम में, तो इसको याद रख लो तो न्यूमेरिकल थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। नहीं, अप्लाई करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड डज ए 1 वॉट बल्ब इमिट इफ इट्स एफिशिएंसी इज 10%, राइट, एंड वेवलेंथ जो इमिट हो रहा है वो 500 नैनोमीटर है। सबसे पहले एफिशिएंसी का मतलब आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, पूरी फिजिक्स में एफिशिएंसी कैरी द मीनिंग आउटपुट ओवर इनपुट, राइट, डिफरेंट रेफरेंस में। परसेंटेज एफिशिएंसी की बात होगी तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, राइट। ओके, हमसे बोला है यहाँ पर 10%, ये 10 लिख दिया, आउटपुट फाइंड करना है इनपुट कितना है 1 वॉट, 1 लिख दिया, राइट। तो पी की वैल्यू मेरे पास में आ गई 10^-1 वॉट, क्लियर है यार। अब वैसे ही स्टार्ट कर लेंगे कि पावर होता क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट, और एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, जिसे हम सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहां से फिर एन का फॉर्मूला हमारे पास ऐसा आ गया, राइट। ओके, अब वैल्यू रखें, टी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 10^-1 आउटपुट, टी 1 सेकेंड, लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर। अब एस सी के लिए मैंने कहा था कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा, आप इसको याद रख लें, 2 × 10^-25, है ना, तो फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। करते हैं, ये 5 हो गया आपका, राइट, और ये 20 इसमें से कम हुए तो -7, और ये -8 हो गया, ये एज इट इज हमारे पास में। 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2.5 हो गया, तो ये 20 माइनस का 25 ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो हमारे पास एन आ जाएगा 2.5 × 10^17। तो इतने नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड है जो 1 वॉट बल्ब से इमिट होंगे, यदि उसकी एफिशिएंसी कितना होगा 10%, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर प्रोपगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम फॉल नॉर्मली ऑन द प्लेन मेटालिक सरफेस, द इंटेंसिटी ऑफ द बीम है हमारे पास 5 स्मॉल एम मिली वॉट, कैपिटल एम होता है तो मेगा, याद रहे। क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 mm², फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रेडिएशन ऑन द मेटालिक सरफेस इफ द रेडिएशन इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, ये वर्डिंग्स भी इंपॉर्टेंस रखेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया, राइट। ओके, पावर हमारे पास है 5 मिली, मिली के लिए 10^-3 रखा हमने, ऐसा ही सिस्टम वर्क होगा, राइट। एरिया है देखिए mm², 1 mm में 10^-3 मीटर, तो 10^-6 हो गया। तो सबसे पहले इंटेंसिटी हमारे पास आ गई लाइट का 5 × 10^3 वॉट, पावर का यूनिट वॉट पर mm², ऐसा ही सिस्टम, क्लियर। अब रेडिएशन प्रेशर ऑन द परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, याद करो ट्वाइस आई बाई सी, याद रखें इनको, है ना, तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू रख दें ना,
ये 10 हो गया ऊपर और ये पावर ऊपर गया तो माइनस 8 हो गया। इनको कट करें तो 3.3 लगभग आ जाएगा। क्यों? तो रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर 3.3 इंटू 10^-5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पी पावर के लिए भी रिप्रेजेंटेशन होता है लेकिन फिलहाल यहाँ हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, है ना। यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? एक तरह क्वेश्चन और लेते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है किसी प्लेन मिरर जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, उससे रिफ्लेक्ट बैक होती है। मास ऑफ द मिरर, लाइट मिरर है बिल्कुल 20 ग्राम्स है, जीएम ग्राम है यहाँ पर। तो फाइंड पावर ऑफ द लाइट सोर्स नीडेड टू सपोर्ट द वेट ऑफ द मिरर, यानी एक तरीके से बैलेंस करना है मिरर को हमें। मान लीजिए मिरर है हमारे पास, वेट तो एम जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ऊपर एक फोर्स हमें चाहिए और वो फोर्स हमें होगा लाइट के रिफ्लेक्शन से मिलेगा, राइट। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मिरर, यदि वेट ऑफ द मिरर हो गया तब तो ये बैलेंस हो जाएगा, सपोर्ट कर लेगा, राइट। एफ एम जी के बराबर होना चाहिए। अब हमने देखा था परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या था, ट्वाइस आई ए बाई सी। क्लियर है? ओके, आई इंटू ए पावर हो गया आपका तो 2P/C हो गया। तो यहां से पावर चाहिए था हमको, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, पावर ऑफ द लाइट सोर्स पी। तो ये हमारे पास हो गया एम जी सी डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू रख ले, एम हमें देखा है 20 ग्राम, ठीक है, तो ग्राम को केजी में चेंज करें, 10^-3 कर दिया हमने, और जी की वैल्यू 10 ले लिया, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट बाई 2, 2 को ये कैंसिल कर दिया तो 10 हो गया हमारे पास में। तो ये आ गया 3 × 10^7। कैसे? पावर्स देख लीजिए, ये 8 है हमारे पास, ये 9 हो गया, ठीक है, और ये 10 हो गया, 10 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो गया 7, तो पावर कितना हो गया 3 × 10^7 होगा। तो क्लियर हो गया फोटोन और फोटोन के कारण लगने वाला रेडिएशन प्रेशर। नेक्स्ट इसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे जिसमें आइंस्टीन से इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, कैसे जब एक स्पेसिफिक एनर्जी के फोटोन इंसिडेंट होते हैं सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए जिससे मिल सके इस लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।